सभापति महोदय, मैं एक बहुत गंभीर बात, मैं आपका ध्यान भी चाहूंगा। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि देश में ऐसे कितने कैदी हैं जिन्हें उनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया, और इसके जवाब में माननीय मंत्री जी जो सभा पटल पे जवाब रख रहे हैं, मैं नहीं, ये उच्च सदन है सर, अगर हम जवाब मांग रहे हैं तो कम से कम हमें ब्यौरा तो मिले, बिल्कुल टरकाने वाला जवाब मिलेगा तो हम क्या पूछे, उसी आधार पे पूछे, उसके आधार पे पूछे। अब मैं, मेरा इस पे सप्लीमेंट्री मैं पूछ रहा हूं, हालांकि जवाब भी बिल्कुल टरकाने वाला है, कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80% कैदी अंडर ट्रायल हैं, विश्व में 6वें नंबर पर, और इसमें भी प्रमुख रूप से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल नॉट जेल, ऐसे में सरकार अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या जेलों से कम करने के लिए कौन सा उपाय कर रहे हैं? धन्यवाद धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। पहली बात तो मैं सदस्य को, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि इस तरह की भाषा जब वो उच्च सदन कहते हैं तो पहले बोलने से पहले उनको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। भारत के संविधान की अनुसूची 7 में सूची 2 पर साफ साफ दर्ज है कि ये प्रदेश सरकारों का मामला है, जेल और जेल में बंदी जो रहते हैं उसके प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, केंद्र सरकार उसमें केवल सहयोग करती है। आपने जो प्रश्न पूछा है जिसमें कहा है कि 80% कैदी जेल में है, ये सही बात है, 77-78% कैदी जेल में है जो अंडर ट्रायल है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में न्यायालय की व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र है और अंडर ट्रायल कैदियों के विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल न्यायालयों को होता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो उसकी प्रक्रिया है मैडम, प्लीज चले दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है वो आप एक बार सुन लें महोदय। मैं आप, नहीं, आप उसमें जो इन्होंने जो जवाब है उसमें कहा गया है कि एनसीआरबी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। सुनेंगे, प्लीज प्लीज, आपको पता होना चाहिए अगर जवाब से संतुष्ट है जो माननीय सदस्य रहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया अलग से पूछने की। इस पर आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, ठीक है सर, हम सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री ये है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया था कि देश अगर विकास की तरफ जा रहा है तो ज्यादा जेलें बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2019 का जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, नया आंकड़ा गृह मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराया, 1031 कैदी हैं जो सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की रकम ना अदा कर पाने की वजह से जेलों के अंदर हैं। ये 2019 का आंकड़ा है महोदय, बहुत गंभीर है, आपने सवाल बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इट्स ए मैटर ऑफ स्टेट, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, प्लीज उनके कैदियों को रिहाई, क्या ये मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट, इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट। सर बैठे, आप बैठे माननीय मंत्री जी, आप बोले माननीय सभापति जी। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें ये लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टैटिक्स इकट्ठा करती है जेल के संबंध में, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष महिला कैदी, ऐसी विशिष्ट श्रेणी कि कौन से कैदी सजा पूरी करने के बाद भी छोड़े नहीं गए, इसके कोई विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी कलेक्ट नहीं करता है, यही उसमें कहा गया है। दूसरी चीज ये साफ है, आप पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ माननीय मंत्री जी। और दूसरा, आप माननीय मंत्री, दूसरा जो इन्होंने कहा, प्लीज आप अपनी सीट पर नहीं बैठिए मैडम, प्लीज गो बैठिए। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि 2019 में ऐसे कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि वो एडवाइजरी जारी करता है। हमने जेल प्रिजन 2016 जारी किया है जिसके माध्यम से कैदी जो सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा करने की ऐसी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा हम ई प्रिजन के माध्यम से हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से जेलों में ई सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कैदी कब आया, कब गया, कब उसकी सजा पूरी हुई, ये सारा करके प्रदेशों की एक व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से उसको पूरा कर